वंदे मातरम। मेरी बहन सविता जी और बिजू महाराज जी के साहबजादे बड़े अच्छे कलाकार हैं, जो हमारी देश की पुरानी संस्कृति को हमेशा जिन्होंने जिंदा रखा है, और इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट और सोसाइटी के मेम्बरान साहबान बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमारी सरहदों पे जहाँ जवान आपके लिए मातृभूमि की सीमा की रक्षा करने के लिए हमेशा सीना तान करके आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए, अगर उनकी एक गोली चलेगी 100 गोली का जवाब देने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, उन जवानों को मैं नमस्कार करूंगा, सलूट करूंगा और भगवान के आगे यही प्रार्थना करूंगा कि वो आपकी मातृभूमि की सीमाओं की हमेशा इस तरीके से रक्षा करते रहें। पर वो आतंकवाद का खौफ जो हमेशा हर साल हमें पूरे देश में रहता था, कहाँ 26/11 की घटना होगी, कहाँ पार्लियामेंट की घटना होगी, कब जयपुर के अंदर बेगुनाह लोग मारे गए ऐसी घटना होगी, दीनानगर की घटना होगी, पठानकोट की घटना होगी, उस खौफ में ज़रूर हमारे में कमी आई है, क्योंकि पाकिस्तान को ये बता दिया गया है कि तेरी तरफ से एक गोली चलेगी तो 100 गोली का जवाब देंगे। चाइना को बता दिया गया है आधा इंच भी मातृभूमि का हिस्सा चाइना में जाने नहीं देंगे। ये जब सरकारें, सरकार का लीडर, देश का बना हुआ लीडर जब ये संकल्प ले ले, प्रथम भारत, प्रथम देश, नेशन इज फर्स्ट, हम तो आज नहीं तो कल जाना है। कौन ऐसा दुनिया में व्यक्ति है जो कहेगा कि मैं 500 साल जिंदा रह सकता हूँ, 200 साल जिंदा रह सकता हूँ। आज नहीं तो कल हमने तो जाना ही जाना है, कब जाना है ये मालूम नहीं। मैंने अपने साथ कई जवान उड़ते हुए देखे, किसी की गर्दन उड़ती देखी, किसी का हाथ उड़ता देखा, शरीर के टुकड़े होते देखे, अपने शरीर के पैर उतरता हुआ देखा। कोई वक्त का पता नहीं कब क्या होना है, पर मातृभूमि सदियों सदियों तक जिंदा रहे, ये संकल्प जो जब ले लेती हैं पॉलिटिकल पार्टियां, सरकारें, फिर देश कभी भी कमजोर नहीं होता, आने वाली जनरेशन को एक नया रास्ता जरूर मिलता है। मैं कोई नरेंद्र मोदी जी का समर्थक नहीं हूं, मैं कोई बीजेपी का समर्थक नहीं हूं, पुराना कांग्रेसी हूं। जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, हम उस वक्त की कांग्रेस के सोच के लोग हैं। हम बड़ी छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं, बड़े बड़े चैनलों में डिस्कशन होती देखते, बहुत छोटी छोटी डिस्कशनों में फंस जाते हैं, मातृभूमि को अलग छोड़ देते हैं। मातृभूमि की अगर कोई भी लीडर अच्छा काम करता, हम उसका सहयोग नहीं देते, हम उसमें भी नुक्स निकालते हैं। जिस दिन हिंदुस्तान की राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां एक मंच पे इकट्ठी हो जाएंगी, राष्ट्र के लिए, प्रथम राष्ट्र आपके लिए, देश की जनता को मजबूत करने के लिए, देश के विकास के लिए, इस देश के अंदर कोई समस्या है ही नहीं, पैसे की समस्या नहीं है, संस्कृति की समस्या नहीं है, हमारा देश मजबूत है, सेक्युलरिज्म मजबूत करना है। पर क्या राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां इस पे पहल देंगी? हम समाज के आदर्श हैं, पॉलिटिकल लोग, हमको समाज देखता है, आप देखते हैं हम क्या बोलते हैं, आप उसको टेलीविजन के अंदर देख करके रिसर्च 2 मिनट में उसका निचोड़ निकाल लेते हैं। पर कोई हिंदू की बात करता है, कोई मुसलमान की करता है, कोई ईसाई की करता है, कोई सिख की करता है, वो जे भूल जाता है मैंने मातृभूमि में जन्म जन्म लिया है, मातृभूमि के मिट्टी में समाना है, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। मैं तो यही कहता हूँ, जब बड़े बड़े चैनलों पे बहस होती मैं यही कहता हूँ, मेरे से मेरा धर्म पूछ, मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। जन्म भारत माँ,
और मौत आए बंदे मातरम बोलता हुआ मातृभूमि के लिए चले जाऊं, इससे बढ़िया जीवन है क्या? कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, जिसने इस धरती पे जन्म लिया है उसने इस धरती के मिट्टी में ही समाना है, ये हम भूल जाते हैं। और अभी भी मैं अपनी बहन से एक इंटरव्यू में बात कर रहा था, कहते मौत से डर नहीं लगता, मौत तो मेरी दोस्त है, जब बम्बो गोलियों से जाऊंगा मेरे बच्चे भी कहेंगे हमारा पिता मातृभूमि की आज़ादी की रक्षा करते हुए शहीद हुआ। उन्होंने इंटरव्यू में दो चार बार कुर्बानी का लफ्ज निकाला, कुर्बानी दी है आपने, मैं कहा नहीं, कुर्बानी कहना पाप है, मातृभूमि की सेवा के लिए कुर्बानी कहना पाप है, ये हमारा कर्तव्य है, कुर्बानी नहीं है। जिस दिन हम कुर्बानी कहेंगे, जिस दिन हम अपने आप को देशभक्त कहेंगे, उस दिन हमारी सारी सेवा मिट्टी में मिल जाएगी। हम तो हजारों बार मर के बार बार जन्म ले ले, हम ना कुर्बानी कह सकते हैं ना अपने आप को देशभक्त कह सकते हैं। देशभक्त वो हैं जिस सीमाओं के ऊपर हमारे जवान आज की दिवाली के ऊपर भी, लोहड़ी के ऊपर भी, बड़े बड़े त्योहारों के ऊपर भी, जब जवान अपने घर से निकलता है, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता को देखता है, उसकी आंखें नम होती है। मैं जा रहा हूँ मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करता हुआ, वही होता है दिवाली के दिन खून से लथपथ। मनदीप सिंह कुरुक्षेत्रा का वो बहादुर खून से लथपथ बॉडी उनकी पत्नी उनके माँ बाप के सामने आती है। ये वो जोधे हैं देशभक्त, जिनको कभी भी, जिनकी कुर्बानी को हम भुला नहीं सकते। हम आपको यकीन से कहते हैं राष्ट्र हमारा है। मैं आपको ये कहूँगा कि आप एक आंदोलन है, आप एक नई क्रांति और ला सकते हैं राष्ट्रभक्ति की। राष्ट्र प्रथम है, जिस दिन हम सोच लेंगे कि राष्ट्र प्रथम है, इस देश की तरफ तो कोई देख नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।